भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू एकता। बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं, अभी हमारा भी एरिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, दे 10 मिनट 5 मिनट का टाइम तो। अपने चल रहे था। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जल्दी बोल दो गुजर जाती से रोकी। अरे ए रोकी ना के रोकी। गुजर जाती से रोकी। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मुल्ला का नाका जी का जय श्री शिवाजी का। अरे मुल्ला का नाका जी का जय श्री शिवाजी का। ग्राम मांडल में के भगवान श्री देव नारायण जी के मंदिर प्रकरण में समाज विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा देवसेना आरएसएस बजरंग दल के खिलाफ राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करवाने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा राजस्थान में वर्षों पुराना भगवान श्री देव नारायण जी का मंदिर स्थित है, जिस पर वहाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा काफी वर्षों तक पूजा अर्चना सेवा की जाती थी, परंतु आज से तकरीबन 45 वर्ष पूर्व वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा अपने बहुसंख्यक प्रभाव से उक्त मंदिर पर ताला लगा दिया गया था, जिससे हिंदू समाज को काफी आहत हुआ। उक्त प्रकरण में मुस्लिम समुदाय द्वारा दिनांक 11/3/2022 को रैली के माध्यम से हिंदू संगठन देवसेना बजरंग दल एवं आरएसएस के खिलाफ राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे, जिसका हम अखिल भारतीय गुजर देवसेना व सर्व हिंदू समाज इसका विरोध करते हैं एवं प्रशासन से आग्रह है कि समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ देशद्रोही मुकदमा दर्ज कर वह इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जावे, और मुख्य मांग यह है कि भगवान श्री देव नारायण जी के पट खुलवाने एवं पूजा अर्चना को लेकर हिंदू समाज के युवा के ऊपर लगे मुकदमे वापस हो, और जो गोपाल गुर्जर बस्सी पिछले दिनों से बंद है उनको भी जल्द से जल्द रिहा करवाने की एवं भगवान श्री देव नारायण जी के मंदिर पर ताला जल्द से जल्द खुलवाने की कृपा करें। अतः जल्द से जल्द देशद्रोही नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और गोपाल गुर्जर बस्सी को जल्द रिहा नहीं किया गया व हिंदू समाज के युवाओं के ऊपर लगे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो अखिल भारतीय गुर्जर सेना के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी राजस्थान सरकार शासन प्रशासन एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों की रहेगी। देवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्जर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। रिहा करो।
40 वर्ष पहले मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया था एवं वहाँ अगर सरकारी कार्रवाई भी चल रही थी जिसमें ये मुस्लिम समुदाय के लोग हार गए थे, गुर्जर समाज जीत गए थे, फिर भी वहाँ किसी प्रकार प्रशासन ने ताला नहीं तोड़वाया। वहाँ हमारे भाई गोपाल गुर्जर जो सिर्फ अकेला गया और पूरे मंदिर के ताले तोड़े, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई। उसी को लेकर हमने यहाँ सभी ने मिलकर शाहजहाँपुर में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि वहाँ की सरकार जो नींद में सोई हुई है एवं जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई बात है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है एवं उसके ऊपर ही गुर्जर समाज के ऊपर ही कार्रवाई की गई है। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया था एवं हमारी ये चेतावनी है कि जल्द से जल्द गोपाल गुर्जर को बसी करें, गोपाल गुर्जर को रिहा करें एवं उसके पश्चात भी अगर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मध्य प्रदेश से मालवा के गुर्जर भी मंडल पहुंचेंगे एवं इस बार हम वहां आवेदन देने के लिए नहीं, हम इतिहास दोहराने के लिए जाएंगे। अगर वहां के मुल्ले अगर ये समझते हैं कि गुर्जर कमज़ोर हैं तो उनके पास में खारी नदी है जहां का इतिहास देख लें कि गुर्जरों ने खून की नदी बहा दी थी। अगर किसी प्रकार के शासन प्रशासन ने भी अगर वहां ध्यान नहीं दिया तो मालवा के गुर्जर एवं राजस्थान के गुर्जर इस प्रकार का इतिहास बनाएंगे कि शायद किसी प्रकार की किसी गुर्जर हम सब मिलकर यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से और अनुशासनात्मक तरीके से हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर इसके ऊपर विचार किया जाता है तो ठीक है, तो गुर्जर समाज वापस एकता के साथ में राजस्थान कुछ करेंगे। जय श्री देव, राम राम साहब।